नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीरियल अड्डा में। आज हम एक ऐसे सिंगर के बारे में बात करेंगे जो कभी मांगते थे मौत, आज अपनी गायकी से बांट रहे हैं खुशियाँ। जी हाँ, हम कैलाश खेर के बारे में बात कर रहे हैं। आज कैलाश खेर का जन्मदिन है। कैलाश खेर की सुरीली आवाज़ ने उन्हें प्रसिद्धि और सफलता दिलाई, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इस प्रसिद्ध गायक ने व्यवसाय में अपना सब कुछ खोकर आत्महत्या करने के बारे में सोचा। रब्बा इश्क न होवे और अल्लाह के बंदे हंसते से संगीत की दुनिया में पहचान बनाने वाले कैलाश खेर ने बहुत ही कम समय में अपनी पहचान बना ली है। गायक कैलाश खेर ने अपनी सूफियाना आवाज़ से श्रोताओं के दिल में जगह बनाई है। जब भी हिंदी फिल्मों में सूफी गीतों का जिक्र होता है तो सबसे पहले जो नाम दिमाग में आता है वे है नुसरत फ़तेह अली खान और राहत फ़तेह अली खान। लेकिन पिछले कुछ सालों से हिंदी सिनेमा को एक ऐसा गायक भी मिला है जिसने सूफी गायन को बदल दिया है, और ये गायक कैलाश खेर है। आज कैलाश खेर की गिनती भारतीय सिनेमा के बेहतरीन गायकों में होती है। सूफी गीतों के साथ रॉक के फ्यूजन द्वारा उन्होंने जो शैली विकसित की है वे अद्भुत है। कैलाश खेर कई एल्बम और फिल्मों में अपनी आवाज़ का जादू चला चुके हैं। उनकी थिरकती आवाज़ के जादू से एड फिल्मों ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। देश ही नहीं विदेशों में भी कैलाश खेर की चर्चा होती है। उन्होंने हॉलीवुड फिल्म कपल्स रिट्रीट में अपने गायन से सभी को प्रभावित किया। अन्ना हजारे का आंदोलन हो या राष्ट्रमंडल खेल, कैलाश खेर ने आगे बढ़कर आंदोलन में हिस्सा लिया। 7 जुलाई 1973 को जन्मे कैलाश खेर हमेशा संगीत के साथ प्रयोग करते रहते हैं और उनका प्रयोग हमेशा काबिले तारीफ होता है। कैलाश खेर ने सबसे पहले फिल्म अंदाज के लिए रब्बा इश्क न होए गाना गाया था, लेकिन उनकी असली प्रसिद्ध फिल्म वैसा ही होता है पार्ट 2 का गाना अल्लाह के बंदे हंसते के बाद मिला। ये गाना उन्हें रातों रात शिखर पर ले गया और लोग उन्हें जानने लगे। ये कैलाश खेर का अब तक का सबसे बड़ा हिट गाना रहा है। उनकी अलग आवाज़ और स्टाइल की वजह से लोग उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं। मनोरंजन जगत की ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे सीरियल अड्डा में फाइल के साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।